चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई और ऐसे में सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी कल पदभार ग्रहण करेंगे। कल वो वायुयान से दिल्ली से निकलकर 11 बजे यहाँ पहुँचेंगे। एयरपोर्ट पर युवा मोर्चा हमारे पार्टी के पदाधिकारी उनका भव्य स्वागत करेंगे और वो वहाँ से पार्टी कार्यालय पहुँचेंगे। वहाँ वो पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण करने के बाद एक पूरे प्रदेश भर से प्रत्येक जिले और विधानसभाओं से कार्यकर्ता और आम जन प्रमुख कार्यकर्ता पहुंचेंगे। उन सभी कार्यकर्ताओं को भी हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी वो उस विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। यहाँ पार्टी ने सभी पदाधिकारी अलग अलग कामों को लेकर अलग अलग कमेटियाँ गठित की है। लगातार 3-4 दिनों से सभी समितियाँ इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बैठकें लगातार चल रही है। मैं भी वर्चुअल लगातार इन बैठकों में जुड़ा हूँ और निश्चित रूप से हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो अनुभवी हैं, विधायक रहे हैं, उप सचेतक रहे हैं, कई दायित्वों का निर्वहन किया और राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं, उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को मिलेगा, संगठन को मिलेगा और कल उनका पदभार ग्रहण का भव्य कार्यक्रम होगा। भाई साहब, राहुल गांधी और अखिलेश यादव निरंतर रूप से पत्रकारों की जातियां पूछ रहे, इसमें क्या कहेंगे? पहले राहुल गांधी जी को अपनी जाति बतानी चाहिए। वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, वो क्या है, इसके बारे में आपको सदन के अंदर उनकी जाति किसी ने पूछ ली तो उनको तिलमिला उठे और देश की जनगणना की बात कर रहे हैं, तो आखिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है इस दिशा में? मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े कराए। अब जब लगता है कि अब कुर्सी हमारे से बहुत दूर है तब कैसे जाति पंथ और धर्म के आधार पर चाहे देश का समाज का कितना ही नुकसान हो लेकिन हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो जाए, इस दिशा में कांग्रेस और कांग्रेस के नायक राहुल गांधी इस दिशा में काम में लगे हैं। राहुल में यूसीसी लाने की तैयारी की जा रही है विधानसभा के अंदर, क्या कहेंगे? आप नहीं चाहते, पूरा देश चाहता है और हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। राहुल ने ईडी की आशंका व्यक्त की है कि ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्या लगता है? क्योंकि आप भी सांसद है, वो भी सांसद है, क्या ये आशंका कुछ को? मुझे लगता है कि कोई न कोई नैरेटिव सेट करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं लेकिन फिर भी पार नहीं पड़ रही है। जब आप पाक साफ हो, आप ईमानदार हो तो आपको किस बात का डर है? डर तो चोर को होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। और जब से मैं सोचता हूं कि आप अगर ईमानदार हैं, आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन बात यह भी है कि आप पैरोल पे भी हैं, इसलिए आप अगर कहीं किसी मामले में लिप्त नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जोशी साहब, एक सवाल और है कि आप अपने अध्यक्षीय काल को पूरा नहीं कर पाए, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या पार्टी आला कमान का रहा है? आप धन्यवाद।